दोस्तों अभी आए हैं बेनुबन, देख सकते हैं राजगीर में, और ये रहा द्वार, और यहाँ पर ये मतलब अंदर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। ये रहा नीचे जाने का रास्ता, इधर से अभी तालाब के पास जा सकते हैं। कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, ये देखिए एकदम मस्त लग रहा है देखने में। और एक और भी है इधर, ये देखिए सारा बंदर को बच्चा है, ये देखिए, और सभी इधर मस्ती से टहल रहा है, ये देखिए दोस्तों। देखिए बहुत सारा इधर है, ये देखिए एक इधर बैठा है बंदर कैसे पानी में नहा रहा है दोस्तों। चलिए जूम करके दिखाते हैं, वो देखिए आपको दिख रहा होगा दो दो को, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों। ये देखिए काफ़ी उसको मज़ा आ रहा है नहाने में, ये देखिए दोस्तों, और इसमें मछली भी होगा शायद समथिंग। देखिए वो देखिए देखिए वो ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे कूदेगा, वो देखिए देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कूदेगा, ये देखिए फिर निकलेगा। सो गाइस देख सकते हो, और एक चीज़ और आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख रहे हैं पेड़ में, ये पेड़ है पर किस तरह से एकदम पूरा मतलब कि डिजाइनिंग काढ़ा गया, सर डिजाइनिंग कैसे है ये तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। कितना मस्त लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, पेड़ है बट किस किन्हीं का मतलब कि चेहरा है, देख सकते हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बेनुबन, क्योंकि दोस्तों ये राजगीर में पड़ता है, और अभी हम राजगीर आए हैं तो आप लोग को दिखाते हैं अंदर का नज़ारा, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा व्यू जो होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों मैं आप लोगों को चलिए अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे। सो गाइस चलिए चलते हैं। दोस्तों अभी आए हैं बेनुबन, देख सकते हैं राजगीर में, और ये रहा द्वार, और यहाँ पर ये मतलब अंदर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को अंदर से। भैया रहा दोस्तों काउंटर द्वार, जो जिसमें हम टिकट ले चुके हैं, यानी कि टिकट 20 रुपये दोस्तों। अभी यहाँ से हम लोग एंट्री मारेंगे अंदर, तो चलिए चलते हैं। पानी वाला बोतल है, चलिए दोस्तों अभी अंदर एंट्री कर दिए हैं, चलिए दिखाएं। और यहाँ पर जो होता है यानी कि पानी का बोतल हटा दिया जाता है, अन्यथा क्यों ये तो नहीं बता सकते। और देखिए बेनुबन में अभी अंदर आ गए हैं, और काफ़ी लोग घूमने के लिए आए, देखिए दोस्तों यहाँ पर ही पूरा एकदम काफ़ी अच्छा नज़ारा है, देख सकते हो, ये देखिए। चलिए आप लोग को पूरा व्यू दिखाते हैं यहाँ का, देखिए दोस्तों, और ये देखिए चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए दोस्तों कितना सारा बंदर है, और बच्चा भी साथ में है, बहुत छोटा छोटा एकदम। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कूड़ादान है, जो भी कूड़ा है इसमें आप डाल सकते हैं, और अन्यथा यहाँ पर बैठने का भी जगह है, यह देखिए कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर आप बैठकर विश्राम भी कर सकते हो, और काफ़ी अगर गर्मी है तो आप यहाँ पर बैठकर आराम भी कर सकते हो दोस्तों। और मैं बता दूँ तो पानी का बोतल इसलिए जमा कर दिया गया है, मैं अब समझा अंदर आने के बाद, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा बंदर है, देखिए, और देखिए आपको दिख रहा होगा, चलिए दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए आपको शायद दिख रहा होगा बहुत सारे हैं, इसलिए पानी का बोतल दोस्तों जमा ले लिया जाता है। और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, सिर्फ ओनली मोबाइल अलाउ है, कैमरा नहीं अलाउ है। तो मतलब सारा बैग चेक किए थे बट कैमरा अलाउ नहीं है, कैमरा भी लाया ही नहीं। और देखिए बैठने का जगह, और यानी कि ये बेनुबन इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि पूरा ही यहाँ पर गाछ वृक्ष है, काफ़ी अच्छा अच्छा पेड़ पौधा है। चलिए, और देखिए आपको दिख रहा होगा बंदर हुआ, देखिए ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, यह है यह है यह है, इसलिए यहाँ पर ही पानी का बोतल अलाउ नहीं किया गया है। और भी यहाँ पर नज़ारा है,
दोस्तों देख सकते हो काफ़ी अच्छा अच्छा फूल है दोस्तों। ये देखिए, चलिए आप लोगों को अंदर का व्यू दिखाते हैं और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों बैठने का, यहाँ पर आप बैठ कर आराम भी कर सकते हो। और देखिए कितना प्यारा गिलहरी है, गिलहरी का बच्चा। और ये देखिए यहाँ पर फ़ोटो खींचने का बहुत ही अच्छा व्यू है, नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों और इसमें बहुत सारे चिड़िया, या देखिए पेड़ पौधा सभी, मतलब कि फूल का पेड़। और ये देखिए दोस्तों कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है आपको, ये तालाब है ऐसे ही। और ये देखिए कितना मस्त व्यू दिख रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों कि आप लोग का वेन्यू वन कैसा लग रहा है आप लोग को। चलिए दिखाते हैं, कितना प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए कितना मस्त लग रहा है, यहाँ का व्यू पूरा एकदम लगा रखा है। देखिए सो देखिए, ये देखिए दोस्तों। और बता देते दोस्तों यहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। सो गाइस देख सकते हो। और एक चीज़ और आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख रहे हैं पेड़ में, ये पेड़ है पर किस तरह से एकदम पूरा, मतलब कि डिजाइनिंग काढ़ा गया है, शायद डिजाइनिंग कैसे है ये तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। कितना मस्त लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। पेड़ है बट किस किन्हीं का मतलब कि चेहरा है, देख सकते हो। और यह देखिए चारों पट्टी बहुत ही ज़्यादा पेड़ ही पेड़, इसीलिए इसे वेन्यू वन कहा गया है दोस्तों। कभी और यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा, आगे का और बहुत ज़्यादा व्यू है, चलिए दिखाते हैं। और ये देखिए पूरा में पाइप लगा हुआ है, क्योंकि जो भी पेड़ है उसे मतलब पानी दिया जाता है। चलिए आगे का नज़ारा दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं आप लोग को, आप लोग को ऐसा लग रहा है। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितना प्यारा फूल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और उधर तो दोस्तों काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर मतलब कि बंदर था, कब लेकर फ़ोन लेकर चला जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है सकते थे, इसलिए हम इधर आ गए हैं। और एक चीज़ और आप लोग को दिखाते हैं, जो कि आप लोग को देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये नज़ारा, देखिए तालाब के बीच में आपको इनकी, देखिए बख्त कैसे जा रहा है पानी में तैरते हुए, तो इसे और अच्छी तरह से दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं आप लोग को आगे लेकर, ये देखिए दोस्तों, चलिए पूरा नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अभी इस रास्ते से आगे चलते हैं, और फिलहाल अभी ये रास्ता बन ही रहा है, इस पर देख सकते हो। और ये रहा है दोस्तों, यानी कि पिकॉक, हिंदी में बोला जाए तो मोर। यह देखिए ये भी यानी कि पेड़ से ही बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है दोस्तों। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं कैसे मतलब कारीगरी किस युवक ने बनाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए और इसको मैं आप लोग को ये देखिए काफ़ी अच्छा से दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों किस तरह से बनाया गया है, आप देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं बता दूँ तो दोस्तों ये पूरा मतलब बांस चारों पट्टी लगा हुआ है, और बीच में ये जो दिख रहा है पीपल का पेड़ है, क्योंकि दोस्तों पीपल का पेड़ बहुत ही लाभदायक होता है, आपको तो पता ही है। तो चलिए आप लोग को आगे के और सीन में दिखाता हूँ, और फिलहाल इधर भी जाने का रास्ता है बट मैं इधर नहीं जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी शाम होने वाला है इस वजह से। तो चलिए मैं आगे जाकर आप लोग को आगे दिखाता हूँ दोस्तों, चलिए। और दोस्तों चलिए अभी दिखाते हैं आगे, और फिलहाल उस जगह से इधर आ गए हैं, और इधर का नज़ारा भी आप काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, यानी कि इधर इधर दोनों पट्टी फूल ही लगा हुआ है। और देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और ये सब फोटो खिंचाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट दोस्तों साथ में कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है ना, इस वजह से फ़ोटो में नहीं खिंचा सकता। तो चलिए ये देखिए दोस्तों,
चलिए आगे दिखाते आप लोगों को। ये देखिए ये रहा, यानी कि शायद नारियल का पेड़ है। ये देखिए मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, इसके अंदर कुछ होगा शायद, समथिंग भगवान का। चलिए आप लोग को आगे लेके चलते हैं। अभी उस जगह से इधर आ गए हैं और इधर का नज़ारा ये देखिए, देखिए ये देखिए बुद्ध भगवान, ये देखिए, और देखिए बुद्ध भगवान बीच में है। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोग को जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। चलिए तो आप लोग को आगे और लेकर चलते हैं और आगे का नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए फूल, देखिए कितना प्यारा फूल लग रहा है। देखिए दोस्तों ये देखिए पूरा कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा सारा चीज़, और काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमने में, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अभी गर्म भी नहीं लग रहा है, यहाँ पर ठंडा है क्योंकि पूरा समझिए, देखिए पूरा पेड़ ही है, पेड़ पौधा है, तो गर्म तो नहीं, हवा चल रहा है ना, इस वजह से गर्मी एकदम महसूस नहीं हो रहा है दोस्तों। चलिए नीचे चलते हैं, पॉइंट चेक। देखिए अभी नीचे जा रहे हैं और नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में। ये देखिए देखिए दोस्तों अभी फ़िलहाल नीचे आ गए हैं और ये रहा पॉन डेक। आगे देखिए दो तीन बत्तख है और इधर से हम लोग अभी आगे ऊपर चढ़ेंगे। क्या देखिए, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। ये देखिए तालाब है पूरा, ये देखिए पूरा तालाब है। आगे वो देखिए बत्तख दो तीन को आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए तैर रहा है, ज़्यादा नहीं है, मात्रा में दो तीन गो है, यानी कि पांच बत्तख है। और वहाँ पर पानी है जो हमेशा चलता रहता है और दो गो इधर से आ रहा है। देखिए दोस्तों ये देखिए, देखिए बंदर कैसे पानी में तैर नहा रहा है दोस्तों। चलिए जूम करके दिखाते हुए देखिए, आपको दिख रहा होगा दो दो गो, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों। ये देखिए काफ़ी उसको मज़ा आ रहा है नहाने में। मैं बताऊँ कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से वो कूद कूद के ऊपर से नहा रहा है। देखिए ये देखिए दोस्तों, और इसमें मछली भी होगा शायद, समथिंग। देखिए और देखिए देखिए वो ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे कूदेगा। देखिए देखिए ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कूदा, ये देखिए फिर निकलेगा वो देखिए निकला। और एक नहीं, दो दो तीन तीन गो, वो देखिए। ये रहा नीचे जाने का रास्ता, इधर से अभी तालाब के पास जा सकते हैं। सो दोस्तों अभी चलिए, अभी चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए देखिए कितना बड़ा हंस है, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, ये देखिए एकदम मस्त लग रहा है देखने में। और एक और भी है इधर, ये देखिए, और यहाँ से यहाँ तक। चलिए दोस्तों अभी घर चलते हैं क्योंकि काफ़ी शाम होने वाला है। और बता दें कि वहाँ पर एक दोस्त मिल गया था, उसी से फ़ोटो वोटो क्लिक करवाए क्योंकि साथ में तो कोई आया है नहीं। तो चलिए अभी घर चलते हैं, सामने काफ़ी टाइम हो गया है इस वजह से। और यहाँ का नज़ारा आप लोग को कैसा लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। चलिए इधर से रास्ता है और बहुत टाइम हो गया घुमा हुआ, शाम भी ज़्यादा होने वाला है, आज तो घर नहीं पहुँच पाएंगे। चलिए अभी दोस्तों काउंटर तक पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा और इधर मेरा पानी का बोतल है उसे भी उठा लेंगे फिर घर चलेंगे। देखिए चलिए चलते हैं, और फिलहाल इधर है बोतल ना, चलिए थोड़ा पानी भर लेते हैं।
चलिए इधर पानी कब आ गया है तो अभी थोड़ा भर लेते हैं, काफी प्यास लग गया। फाइनली दोस्तों पानी भर चुके हैं, अभी पी के फिर चलेंगे घर क्योंकि काफी शाम होने वाला है, इसलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे। चलिए दिखाते हैं आगे का नज़ारा। चलिए तो अभी चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी फाइनली अंदर से चले आए हैं और काफ़ी शाम होने वाला है, तो चलिए अभी पानी वगैरह सब पी लिए। तो अभी देखिए आगे का रास्ता है, यस टेम्पो पकड़ के उसके बाद हमको घर जाना है। और देखिए आगे टोटो वाला मिलेंगे तो आगे चलेंगे, यानी कि बस स्टैंड हमको जाना। चलिए देखते हैं अंकल यहाँ पर तो है, कहाँ तक जाएगा अंकल? बस स्टैंड। चलिए दोस्तों अभी बस कितना लीजिएगा? 10 रुपया। चलिए अभी बैठ गए हैं टोटो पे, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अभी टोटो पे से उतर चुके हैं और देखते हैं बस किधर लगा हुआ है हमारा। इधर तो बस है फिलहाल, अभी देखना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि हमको जाना है कतरीसराय, तो कतरीसराय वाला बस किधर लगता है वो तो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि आए थे तो इधर ही उतारे थे इधर सामने वाला। सो देखते हैं किधर बस लगता है। मायापुर का बस मिल जाएगा अंकल? मायापुर का बस तो गाइस देखते हैं, काफ़ी दिक्कत होगा देखने में किधर है इस हुआ, देखते हैं दोस्तों मिल जाए तो अच्छा ही है। और दोस्तों काफ़ी देर खोजने के बाद बस तो नहीं मिला, बट भैया मिले एक ऑटो वाला जो कि अभी हम लोग ऑटो से जाने वाले हैं गिरियक। और इधर चाचा देखिए क्या करते हैं, इधर भुंजा बना दीजिए। चलिए अभी देखिए भुंजा बनवा लेते हैं दोस्तों, उसके बाद खाएंगे, काफ़ी ज़ोर से भूख भी लगा हुआ है। 10 का बन गया देखिए। काफी मेहनत करते हैं दोस्तों, सभी चीज मिलाकर बनाते काफी अच्छा लगेगा। देखिए पैसा दे दिए, अभी ले लिए भुंजा, अभी चलते हैं। और फिलहाल हमें दोस्तों दूसरे गाड़ी से जाना पड़ेगा, वहाँ देखिए अंकल है और भैया वहाँ पर गाड़ी लगा रखे हैं, जल्दी से जाना नहीं तो टाइम हो जाएगा। तो अभी गिरियक पहुंच चुके हैं और अभी देखिए यहाँ पर पूरा पुल बन रहा है, ऊपर से नीचे तक देख सकते हो और काफी अच्छा व्यू देख सकते हो। अभी आगे जाना है हमको, इससे आगे वहाँ पर और जाकर गाड़ी चढ़ेंगे तभी जा पाएंगे कतरीसराय, क्योंकि दोस्तों हमें कतरीसराय जाना है। देखिए अभी पुल पूरा बन ही रहा है अच्छी तरह से और ये लमसम काफी दूर तक नवादा तक बना है, तो चलिए चलते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे। देखिए काफी गाड़ी जा रहा है दोस्तों, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी घर आ गए हैं और काफ़ी रात हो चुका है दोस्तों, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखता हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल में नहीं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते कोई और नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों।